हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स CISF असिस्टेंट कमांडेंट LDC एग्ज़ाम 2018 में जो अपीयर होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आपका 4 मार्च 2018 को होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बेसिकली हमने बनाई है। और इस वीडियो में हम दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, तो जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लोग तैयारी कर रहे हैं वही प्लीज़ इस वीडियो को देखें, बाकी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और काफ़ी हम चीज़ें इसमें नई लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्विक रिविजन स्टडी मटेरियल के बारे में, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट PPTs और इंपॉर्टेंट PDF जो हैं वो डाले हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे 2017 का एक पेपर, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे रिलेटेड आपको क्या क्या आपको क्विक रिवाइज करना है। देखिए, जितने आपने तैयारी करनी थी एग्ज़ाम के लिए वो आप कर चुके ऑलरेडी, ठीक है, तो आप अभी बस रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट आज 20 तारीख हो चुकी है, 11 दिन का टाइम आपका, 12वें दिन आपको यानी 4 मार्च का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए आपने जो भी अब तक पढ़ा है, अगर आप रिवाइज नहीं करके जाओगे तो एग्ज़ाम में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप नहीं लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को देख लीजिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस किन किन एरियाज पर आपको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले पेपर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 2017 का पेपर है आपका, ठीक है, CISF असिस्टेंट कमांडेंट LDC एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको किस किस टाइप के से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, उसके रिलेटेड आया हुआ है। मतलब आपके जो क्वेश्चन पॉलिटी के हैं बेसिकली, जो असिस्टेंट कमांडेंट जो UPSC का जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये CISF के लिए है सिर्फ, जो जनरल एग्ज़ाम है जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, उनके क्वेश्चन से जो इन क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा आसान रहेगा कंपेरेटिवली, ठीक है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधा जाके आंसर लगा सकते हो, अगर पढ़ा होगा आपने तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने देखे थे, चेक किए थे, तो पॉलिटी के आपके ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हैं, 2017 में आए थे, ठीक है। उसके बाद जैसे Article 32 है वो किसके बारे में बात करता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर Article 32, ठीक है। उसके बाद है जैसे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे हो गया। उसके बाद आपका है जैसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये Article 19 में इनमें से कौन सा जो है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, ये नोट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप पॉलिटी आप कैसे पढ़ेंगे लास्ट के 10 दिन में, ठीक है। आपने अब तक जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अब देखिए इस चीज़ के लिए, वैसे बुक तो जैसे लक्ष्मीकांत की ही है ऑलरेडी, तो आप 10 दिन में बुक थोड़ा पढ़ने बैठ जाओगे, तो आपको क्विक रिविजन का कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो आप जल्दी से आप पढ़ सको, ठीक है। इसके लिए बेसिकली हमारे पास PPTs अवेलेबल हैं, ये हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा, देखिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह का आपका स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा, एक सेकेंड, आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 का दिखा देता हूँ पहले आपको, पेपर 2 में आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ऐसे रहेगा, प्रिसिस राइटिंग रहेगी, और PVC पेपर हमने डाले इसमें 2 साल के, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 में जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो 3 चीज़ें आपके रहेंगी, GS आपका जनरल स्टडीज़, प्रोफेशनल जो आपका CISF से रिलेटेड है, और रीजनिंग का मटेरियल, ठीक है। GS में जब आप खोलेंगे इधर से ऐसे, ठीक है, तो आपका जैसे पॉलिटी का है, पॉलिटी में ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इसमें, ठीक है। तो 10 दिन में आपको काफ़ी थोड़ा टाइम है 10 दिन का, लेकिन फिर भी आप कोशिश पूरी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि अगर ये 10 दिन आप हमारा स्टडी मटेरियल करते हैं तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है। PPTs में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे PPTs हैं, इसमें आपका हर एक चीज़ के बारे में आपको मिल जाए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है, DPSP के बारे में है, एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में दिखाता हूँ एक बार किस तरह की PPT रहेंगी, ठीक है। जैसे हमारी ये PPTs हैं, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है बेसिकली, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन है, इलेक्शन कैसे होता है, टर्म क्या है, इम्पीचमेंट पावर, ठीक है। उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में सब कुछ दे रखा है। तो ये बेसिकली 13-14 पेज की एक PPT ऐसे ही, ठीक है। PPT का बेनिफिट क्या रहेगा आपको, देखिए, एक तो पिक्टोरियल है सारा का सारा, ठीक है, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, ठीक है।
तो आप जल्दी से जल्दी इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इंडियन पॉलिटी है, ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, आपके देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए थे फंडामेंटल राइट्स से। ये वाला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से था, ये वाला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से था। उसके बाद आप एक सेकेंड, ये फर्स्ट शेड्यूल से था, ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी से था, फंडामेंटल राइट्स से है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सिटीजनशिप से है। फंडामेंटल राइट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जैसे इस पीपीटी में सारे फंडामेंटल राइट आपको, एक सेकेंड, इसमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए। तो जब आप ये पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम कम आएगी, आप आसानी से जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा इसमें, इसलिए। उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ठीक है, ये सारी की सारी पीपीटी है जैसे, ये देखिए, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है, प्रियम्बल के बारे में बात की है, ये सब है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्विक रिवीजन करनी है आपको अपनी पॉलिटी की, तो आप इन नोट्स से जो है पॉलिटी की क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे एक सेकेंड, ये 2017 का पेपर है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाले क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा रफ पेज पर अगर काम करेंगे तो आपका सोल्व हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है और आपका है जैसे, एक सेकेंड, जैसे ये वाला है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल की पूछी हुई है इस एग्ज़ाम में, मैंने देखा था। जैसे नेशनल पार्क है आपका गिर नेशनल पार्क, फेमस फॉर, ठीक है। उसके बाद आपका चिनूक विंड है, ठीक है, ये लोकल विंड है। उसके बाद ये आपकी माउंटेन रिजी वगैरह, तो ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी का बताता हूँ आपको। जैसे ज्योग्राफी जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट हमने पीपीटीज डाली जो रिवीजन के लिए आपके काफ़ी सही रहेंगी, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जो CDS का जो एग्ज़ाम आया था उसमें दो क्वेश्चन डायरेक्ट क्लाउड्स के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें क्लाउड्स के हमने पीपीटी डाली है, ऐसे ये मेरे ख्याल से 10-12 पेज की रहेगी। पीपीटी की सबसे बढ़िया बात क्या है, वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है, तो हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट में आप एक पीपीटी पूरी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पिक्टोरियल है तो देखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे एटमोसफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको कम्पिटेटिव, ठीक है, इसमें से आपकी लेयर, एटमोसफेयर वगैरह क्या होता है, ठीक है, ये सब है, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इस तरह से है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में ना, तो वो देख सकते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये है एटमोसफेयर के बारे में सारा का सारा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ है, एटमोसफेयर की लेयर है, फिर लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस लेयर में क्या होता है, ठीक है। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, और ये इस पीपीटी में जिसमें 34 स्लाइड्स हैं, ठीक है, 34 में से आप देखिए इस स्लाइड में क्या पढ़ने का, क्या है आपका देखने का, ये सिर्फ, ठीक है। तो हार्डली मेरे ख्याल से ये 5 से 7 मिनट में आपकी पूरी की पूरी जो है पीपीटी कवर हो जाएगी, तो ये बेनिफिट रहता है पीपीटी का, ठीक है। उसके बाद क्लाउड्स हो गए ऐसे, उसके बाद अर्थ का इंटीरियर है ऐसे, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सा मटेरियल मिलता है, तो इस तरह से आपका ये है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में है, न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी 2017 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखिए ये तीनों के एग्ज़ाम का लेवल जो ऑलमोस्ट सेम है सारा का सारा, आपका असिस्टेंट कमांडेंट जो UPSC का है, CISF का है, और ये सब, ठीक है, तो इस बारे में भी आपका है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर एक इमेज रहेगी आपकी, इसे आप जूम कर सकते हैं यहाँ से, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं। तो लास्ट के दिनों में आप इतना करेंगे अगर, तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट उसका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, आपका एक क्वेश्चन आया है पिछली बार इसी में, इसी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ये आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये PPT रहेगा, सॉरी PDF रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, इसमें बैरन आइलैंड पूछा था दोस्तों आपसे 2017 में ना, तो कि बैरन आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, तो इंडिया में है बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। एक सेकेंड की आपका मिल ही जाए यहाँ पे, ये देखिए ये एयर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल जो कोई डिवाइस, ऑटोमोबाइल में कौन सा डिवाइस होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा, कमेंट्स में लिखिए। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद द डिवाइस दैट शोज अ डिस्टेंस ट्रेवल, सच अ डिवाइस इज नोन एज, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके दोस्तों कट ऑफ जो है 2017 की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 190 के आसपास गई थी, 300 मार्क्स में से 150 आपके क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 190, यानी ऑलमोस्ट आपके 90 90 से लेके 100 के बीच में आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो
लेवल ठीक है एग्ज़ाम का, इतने क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, तो आपको मेहनत थोड़ी सी, लास्ट के 10 दिन हैं आपके पास, ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अगर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आंसर आपका सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एनी एडवाइज, यस वो कर सकते हैं। द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो जुडिशियल उसमें नहीं आती है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद ये प्रीएम्बल पे दिया हुआ है, तो आप जितनी हमने पीपीटी डाली है वो सारी करते थे, डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सारे आपके हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपका देखिए ये अमेंडमेंट के बिल से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका है जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाली आ गया, बैरन आइलैंड पूछा गया है, तो इंडिया में है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, तो इंडिया का मैप जरूर पढ़ के जाएं आप, ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी और सारी काफ़ी सारी इमेजेज जो है हम उन फोल्डर में ऐड कर देंगे, तो काफ़ी आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन, रेलवे जोन से भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें शायद रेलवे का भी हमने डाला हुआ है पेज, देख लेंगे वो, अगर नहीं डाला होगा तो हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे इधर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है, इनमें से कौन सा होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड इनमें से कौन सी वो नहीं है, ठीक है, सही सही चीज़ नहीं है। उसके बाद जैसे आपका है ये देखिए, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस किस उससे होती है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो ये वाले क्वेश्चन है इनको एटलीस्ट गलत मत कीजिए, ठीक है। इनमें क्या है, बेनिफिट क्या रहेगा आपको, जो आपको क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन जो करके आने हैं एग्जाम में, ठीक है, उनका जो लेवल है वो इन्हीं, ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आओगे तो बाकी जो हार्ड क्वेश्चन है उनमें तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आपका जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, जैसे वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रबी सीजन विंटर सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, ठीक है, अब इनमें से मेन कौन सा है, इसका भी कमेंट आप करके बताइए, काफ़ी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दो टाइप की, तीन टाइप की होती है बेसिकली, तो हमारे उसमें रबी, खरीफ और एक और होती है जो इनके बीच में जो आती है, जो 2 महीने के लिए हम लगाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपका ठीक है, अब ये जैसे प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके, ये जो सी आई एस एफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, अगर आपने सी आई एस एफ के वो पढ़े हों तो आप इनको आसानी से कर पाओगे। इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने ढूंढ के निकाली है, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ आपको ये कहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये वाला है, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर वाला है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो परमिशंस वगैरह लेनी होती है उसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कैन नॉट बी ऑथराइज बाय कैरीड आउट एनी पुलिस ऑफिसर हु द रैंक ऑफ द कॉन्स्टेबल थ्रू ए वारंट ऑफ, ये वाला मजिस्ट्रेट, मतलब परमिशन पूछी गई इसमें, आर्म फोर्सेज के बारे में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जैसे और क्वेश्चन हैं, जो ठीक ये वाला, जैसे एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिस्पोजल ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ द सिविल, ये वाला, तो इसमें पूछा है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये बताता हूँ आपको कहाँ से करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ठीक है। ये देखिए ये सारे आप कर लेना, इसमें से और एक दो चीज़ दिखा देते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है जैसे, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे ये सारा का सारा जो सी आई एस एफ, सॉरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आपकी जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारे की सारी इसमें हैं, ये आप पढ़ोगे तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, बेनिफिशियल है। सी आर पी एफ है, रोल ऑफ सी आर पी एफ, महिला बटालियन, कोबरा, रैफ, बी एस एफ, ठीक है, ये सारा इसमें पूरी की पूरी जितनी भी हैं वो सारी दी हुई हैं, ठीक है, ये पढ़ना आप। ये मैं इसलिए प्रोवाइड किए क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में आप जो है मेन बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी, लेकिन 10 दिन में एटलीस्ट एक रिवीजन के लिए आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया आपका, ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में का भी आपका टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के आपके पीपीटीज हैं, जैसे पीपीटी पीडीएफ जो भी है, इनमें आप जो है इनसे रिवीजन आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो इनको आप प्लीज़ फोकस कीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का वो है तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जैसे ये वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है, ये वाला सारा का सारा क्या होता है डिजास्टर, ठीक है, कितने टाइप का होता है, सुनामी कैसे आती है, फैक्ट अबाउट सुनामी, ये वो, ठीक है। तो इनको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपका ऐसे आता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके पॉलिटी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का हो गया, जैसे एनवायरनमेंट का हमने यहाँ PPT डाल ली है सारी की सारी, ठीक है। ये देखिए सारी की सारी एनवायरनमेंट की PPTs हैं, तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, सारे आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, ऐसे में भी आपके यूज़ होंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट ही है, और इफेक्ट्स को भी थोड़ा सा देखना है ध्यान से आप, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क वगैरह भी इसमें है मेरे ख्याल से, ये रहे, ठीक है। इनको जब आप खोलोगे तो ये सारे नेशनल पार्क्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं उनके बारे में इनमें बताया गया है, ठीक है। जैसे जैसे 18 पेजेस का है ये PPT, ठीक है। अब ये देखिए नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इमेज जैसे आप याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। आपका क्वेश्चन आया था गिर से रिलेटेड ना, क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया था। ये देखिए किस लिए फेमस है, एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है गिर, ठीक है। उसके बाद जैसे मानस किसके लिए फेमस है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, वन और राइनोज के लिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट का आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस, ये, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स में सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, जो आप कवर करने में आपको टाइम भी लगेगा, और हो सकता है आपने अभी तक काफ़ी चीज़ें कवर भी की हुई है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसमें दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट से, ठीक है। अब देखिए जो जितने भी आपके ऑलमोस्ट, अगर आप ये PDF पढ़ के जाते हो, जो ये वाला है, ये 62 पेजेस का PDF रहेगा, ठीक है। और इसमें मेरे हिसाब से एटलीस्ट आपके, अगर मैं देख क्वेश्चन देख के बताऊँ तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछे हुए हैं, ठीक है। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं सारे के सारे। एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, फोर्स कस्टोडी मीन्स, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटेलिजेंट कैमरा, ये देखिए, अब पहले PDF दिखाता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इसमें कंटेंट देखते हैं हम क्या क्या है, ठीक है। शो टाइटल एंड कमेंसमेंट डेफिनेशन, चैप्टर 2, कंपोजिशन ऑफ द फोर्स। कंपोजिशन ऑफ फोर्स में आपका सारा का सारा रैंक्स वगैरह सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये देखिए कंपोजिशन ऑफ फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, कब बनी थी ये फोर्स, उस हिस्ट्री के बारे में, कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर जनरल इन CISF, ड्यूटीज ऑफ सेक्टर इंस्पेक्टर जनरल इन द, ये, ठीक है। कमांडेंट की क्या ड्यूटी होती है, डिप्टी कमांडेंट की, असिस्टेंट कमांडेंट की क्या ड्यूटी होती है, प्रोसीजर अरेस्ट वगैरह करने के, ऊपर बताया था ना मैंने आपको क्रिमिनल वो कोड वगैरह, वो इसमें ही है आपके सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें, अरेस्ट सर्च कैसे करना है, प्रिस्क्राइब्ड रैंक क्या क्या है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये आपका हार्डली मेरे ख्याल से आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा इसमें, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होती है, मेथड क्या है रिक्रूटमेंट के, एज कैडर, डेपुटेशन, प्रोमोशन, प्रोबेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है कैटेगरीज के, पावर ऑफ रिलैक्स क्या है, मैनुअल्स, ठीक है। उसके बाद जैसे पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, ये जरूर पढ़ के जाएँ, पनिशमेंट्स वगैरह इसमें सब कुछ दी हुई है, अपील्स, रिविजन, पटिशंस, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ये वाला जो पर्टिकुलर PDF है ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये अपील्स, रिवीजन, पिटीशन, ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, आपको अरेस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद जैसे रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल लीव, ये सब, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए, ये रहा मैजिस्टीरियल पावर, इसमें मैजिस्टीरियल पावर के ऊपर कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन मैंने देखे थे, मैजिस्टीरियल पावर, जुडिशियल पावर, मजिस्ट्रेट, ठीक है। कब कब आप नोटिस लेना है, कब आपको कौन सी वो करनी है, प्रमोगेशन ऑफ सेंटेंस, फोर्स कस्टडी आया था ना क्वेश्चन ऊपर, अभी मैंने बताया था आपको फोर्स कस्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये वाला PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें अमेंडमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था CISF से रिलेटेड, वो भी था, ठीक है। उसके बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक सेकेंड दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये PPT रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे एक ये है CISF से रिलेटेड, इसमें CISF के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मिशन क्या क्या है,
ये काफ़ी अच्छा है, लगा मुझे, ये भी सही है पीडीएफ, इसको पढ़ सकते हो आप। एक सेकंड जूम कर देता हूँ, देखिए एक सेकंड, आपको दिखेगा नहीं शायद, इसमें बोल देता हूँ, ये अब आ गया, साफ हो गया। डायरेक्टर जनरल द 21st सेंचुरी चैलेंजेस फॉर द CISF लीडरशिप, एविएशन सेक्टर आपका है, ठीक है। एक सेकेंड, शायद सिलेबस होगा ये, हाँ इसमें आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ मैं साथ के साथ में ना, एक सेकेंड। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, गियरिंग, ये आपका 53 पेजेस का PDF है, ठीक है। उसके बाद वुमेन इन CISF, रिस्पॉन्स फॉर क्रिटिकल एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस मिशंस, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, देखिए सिलेबस दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। एक सेकेंड, प्रोफेशनल स्किल्स के आपके 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, और 75 रहेंगे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के। तो आपका एक सेकेंड, ये रहा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एविएशन सिक्योरिटी, क्राइम एंड इंटेलिजेंस, परिमीटर सिक्योरिटी, VIP सिक्योरिटी, बम डिस्पोजल, टेक्निकल गैजेट्स, अलार्म डिटेंशन, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी एंड इलेक्शन ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं इस वाले फोल्डर में अवेलेबल हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप एक सेकेंड, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, एविएशन सिक्योरिटी के ऊपर है ये PDF, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर। एक सेकेंड, ये देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले भी एविएशन सिक्योरिटी के ऊपर है PDF, इंडियन प्रोस्पेक्टिव क्या है, सब कुछ इसमें CISF वगैरह के बारे में है। उसके बाद CISF का ये इंट्रोडक्शन है पूरा का पूरा, CISF का कंप्लीट ये है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपके CISF से रिलेटेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको डाटा अवेलेबल नहीं मिलेगा कहीं पर भी और, ठीक है, ऑनलाइन लेटेस्ट। उसके बाद रीजनिंग के 2-3 चैप्टर इसमें डाले हैं। पेपर 2 के बारे में अगर बात करें तो पेपर 2 में आपका एसेज वगैरह हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो ये अब ये लिखा हुआ है इसमें, बताया हुआ है कि ऐसे आपको कैसे लिखना है, ठीक है, ये देखिए। तो अब ये देख सकते हैं, उसके बाद आपका प्रिसीज राइटिंग है, प्रीवियस ईयर पेपर 2, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है, और इस वीडियो में हम मटेरियल जो देखिए पेड मटेरियल रहेगा ये, और हमने कॉस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखी है, बिल्कुल छोटी सी एक अमाउंट रखी है जो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका लिंक रहेगा बेसिकली, जो इस एग्ज़ाम की कॉस्ट है वो 750 हमने रखी है, ठीक है, और हाईली बेनिफिशियल रहेगा, हाईली रिकमेंडेड है। आप इसे प्लीज़ जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 750, तो बिल्कुल इसे लीजिएगा, और आपके मार्क्स में जो आप खुद देखेंगे जब आप पढ़ेंगे काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस जो ये वाला मटेरियल है जो इसका लिंक, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट्स बॉक्स में भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपने आपके एडमिट कार्ड जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।